बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और स्वायत्त संस्थानों के लिए SOP जारी की है, जिसके अनुसार कर्मचारी और पेंशनर्स परिवार हेल्थ कार्ड दिखाकर किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेज में इलाज करा सकेंगे। इसके लिए मेडिकल कॉलेज स्तर पर हेल्प डेस्क की भी स्थापना की जाएगी और इसके ही साथ योजना से जुड़े वेब पोर्टल पर लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों के इलाज के लिए प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रचलित दरें ही मान्य होंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की थी। योगी सरकार का कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा मिला है। लखनऊ में डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला प्रशासन मुख्यालय में बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में डेंगू और संचारी रोग रोकथाम को लेकर की बैठक हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कल सभी वार्डों में डेंगू को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। कल सुबह 6 बजे से सभी वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान शुरू होगा। वहीं चिकित्सकों के साथ दवाइयों से लैस मोबाइल वैन घर घर जाकर इलाज के साथ जागरूक करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि टेली मेडिसिन से भी चिकित्सक मरीजों को परामर्श देगी। यूपी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी ने देर रात करीब 1 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 9.5 पर लगभग 9.5 किलोमीटर पर स्थित संसारा टोल प्लाजा पर अचानक छापा मारा है और इस दौरान औचक निरीक्षण और छापेमार कार्रवाई में मंत्री नंदी ने कई खामियां भी मिली है। बता दें कि इस दौरान वहां पर कर्मचारियों की संख्या मानक से कम होने और उपस्थिति रजिस्टर में लापरवाही मिलने पर मंत्री नंदी ने संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से मुलाकात कर लौट रहे टोल प्लाजा पर अचानक औद्योगिक विकास मंत्री का काफिला रुक गया था, जिसके बाद टोल प्लाजा कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। काफिला रुकते ही गाड़ी से उतरते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने टोल प्लाजा पर छापा मारकर औचक निरीक्षण की कार्यवाही की, जहां पर अप और डाउन दोनों लेन पर 16 की जगह कुल 8 काउंटर ही खुले हुए मिले थे। वहीं छापेमारी के दौरान खामियां मिलने पर मंत्री ने नाराजगी भी जताई है। महोबा में जिलाधिकारी मनोज कुमार से मिलने गए छात्र छात्राओं ने बात की। DM कार्यालय पहुंचे स्टार सिटी के स्कूली छात्र छात्राओं ने इस दौरान अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी चर्चाएं की। वहीं जिलाधिकारी ने स्कूली छात्र छात्राओं से गुटखा छोड़ो मुहिम में शामिल होकर अभिभावकों को गुटखे के सेवन से दूर रखने में सहयोग करने की भी अपील की। सर, DM सर ने हम लोग को ये बात रखी, अगर हम लोग को कोई भी रास्ते पे जाना है तो सबसे पहले हम लोग को सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा और उससे पहले हम लोग को अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसके बाद हम लोग 12th पास करेंगे, फिर हम लोग को जिस चीज़ में मन लगेगा हम वो करेंगे और जो हम लोग बनना चाहते होंगे वो बन सकते हैं। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने राजधानी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत बेहद खराब है, लेकिन सरकार के कानों में जू तंग नहीं रह रही है। डेंगू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं बेहद खराब हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डेंगू को लेकर के बात की कि अस्पतालों में स्थिति बेहद ख़राब है, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू की शिकायतें लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में डेंगू लोगों की जान ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद ख़राब स्थिति में पहुँच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल का ये कहना है कि
बस्ती जिले में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की जन समस्याओं के निस्तारण की ओर जीतोड़ मेहनत रंग लाई। बस्ती में IGRS पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की रैंकिंग में बस्ती को प्रदेश में टॉप 3 जिलों में जगह मिली है। बस्ती को पूरे प्रदेश में IGRS निस्तारण में 99.29% अंक मिला है। इसी क्रम में निरंतर समीक्षा की गई है और जो हमारी जिला प्रशासन की टीम है, EDM, हमारे अपर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये समय के प्रयास का परिणाम है कि बस्ती जनपद 73वें नंबर से हम इसे नंबर। मैम, इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ पहल किया जाएगा कि IGRS में कंटिन्यूटी हो? निरंतर समीक्षा बैठकें और जो भी असंतुष्ट फीडबैक के कारण जनपद का शिकायतों का स्तर खराब हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर एक शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है और स्वयं जिला स्तर से भी उनके फीडबैक लेकर और उनको शिकायतों का संतुष्टिकरण के स्तर तक निस्तारण कराया जाता है ताकि ये जो हमारी सुधार है ये सस्टेन करते हैं। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, कुशीनगर के नवनियुक्त DM रमेश रंजन ने पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेते ही उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने मरीजों से मिलकर भी उनका हाल जाना है। अस्पताल में तमाम इंतजाम परखे और अस्पताल प्रशासन को सभी इंतजाम दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गोमती नगर पुलिस ने छत्तीसगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2007 में अपहरण के बाद फिरौती वसूली थी। फिरौती की रकम लेने के बाद हत्या भी कर दी। लोकनाथ हत्याकांड में 12 बदमाश शामिल थे। बेल पर जेल से आने के बाद ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और ये बदमाश कई बड़ी वारदातों में शामिल था। न्यायिक हिरासत में निलंबित होने के 4-5 साल बाद ये बेल में बाहर आया और तब से ये फरार है और इसको अपराध शाखा लखनऊ की टीम ने और गोमती नगर की टीम ने छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख का इनाम भी किया गया था। ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। ओरिजिनली ये बनारस का रहने वाला है। बनारस में इसने कई पुलिस वालों पर कई बार फायरिंग भी की है। 2003-04 में, 1990 में, काफ़ी पुराना और शातिर किस्म का अपराधी है ये। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में बनारसी मेले के घाट में नहाने गया 8 वर्षीय बच्चा पैर फिसलने से डूब गया। बच्चे को मेला कमेटी की मदद से करीब 1 घंटे के बाद पानी से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता विनोद ने मेला कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेला कमेटी ने अगर सीढ़ियों की सही से साफ सफाई कराई होती और देखरेख के लिए सही व्यवस्था की होती तो आज मेरे बेटे की मौत नहीं हुई होती। सोनभद्र के ओबरा में लगातार बार एसोसिएशन का ये धरना 9वें दिन भी जारी रहा। ओबरा तहसील का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए ओबरा बार एसोसिएशन के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 9वें दिन ओबरा तहसील के मुद्दे को लेकर 4 लोग अनशन पर बैठे। वकीलों ने जमकर नारेबाजी करते हुए ओबरा विधायक और राज्य मंत्री संजीव गौड़ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। अब तक मौके पर कोई भी अधिकारी के नहीं पहुंचने से इस आंदोलन को व्यापक रूप देकर जन आंदोलन बनाने की बात कही गई है। इस धरना और प्रदर्शन का प्रारंभ लगभग 9 दिन पूर्व से ही चल रहा है। आज 9वां दिन है इस क्रमिक धरना का और तहसील को अस्थाई जो है ओबरा में ही बनाया जाए और जहाँ तहसील चल रही है मुख्य मांग तो यही है कि यहीं बनाया जाए, यहाँ भी पर्याप्त जमीन है। क्रमिक अनशन का 9वां दिन है। हमारा मेन मामला ये मांग है कि सबसे पहले जो चयनित हो गया है लक्ष्मण नगर में खतौनी में नाम दर्ज हो गया है, सबसे पहले उसको निरस्त करने के लिए जो है ये आंदोलन पहले उस पर है कि वो निरस्त हो। इसके बाद जब ओबरा विधानसभा में ओबरा में जमीन
का चयन हो वहां पे तहसील बने। जाजमऊ में दो दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में प्लॉट में बने टट्टर में आग लग जाने से महिला के घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया, जिस पर पीड़िता ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी पर घर कब्जाने की नीयत से आग लगवाने का आरोप लगाया था। पीड़िता की ओर से दी गई तहरीर पर तुरंत FIR न दर्ज करने और मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर BP जोगदंड ने SO जाजमऊ को निलंबित किया। तो वहीं देर रात आरोपी विधायक और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश भी दी। 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। मेरा नाम नदीर फातिमा है, स्वर्गीय कासिम हुसैन, मैं 181 डी डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ, 86 से मैं वहाँ रहती हूँ। मेरा पैसा जमा है KDA में और मुझको प्रताड़ित जबरदस्ती किया जाता है कि इसको खाली करो, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। कई बार हमारे ऊपर हमला किया गया, मेरे लड़के को जहर दिया गया, मेरे लड़के को 4-4 बार जेल भेजा गया, 2-2 साल जेल काटा लड़के ने, पागल होके मर गया लड़का मेरा, मेरे आदमी को ब्रेन हैमरेज हो गई। अब इस वक्त हम बहुत मजबूर हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों को लाया गया है। बता दें कि ये हाथी कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क से 14 दिन के सफर के बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे हैं। दरअसल इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हाथी नेपाल के जंगलों से आते थे और यहाँ रुकने के बाद वापस भी चले जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कर्नाटक के 8 महावत की देखरेख में हाथियों को रखा जाएगा। ये सभी लोग स्थानीय लोगों को हाथियों के बारे में जानकारी देंगे। इनको देखने के लिए डॉक्टरों की भी एक टीम लगाई गई है। हाथियों के स्वागत में यहाँ पहुंचे पर्यटक भी काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। वहीं उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया है। आज हम लोग यहाँ पे हाथी कर्नाटक से मंगवाए हैं। 4 हाथी हैं, इसमें 3 मेल हैं, 1 फीमेल है। ये हाथी हम यहाँ पे इसलिए मंगवाए हैं, यहाँ बच्चों का हाथी से एंजॉयमेंट हो, हाथी के माध्यम से हमारे टूरिज्म बढ़े थे। और ये सबसे बड़ा काम यह है, वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कंफ्लिक्ट जो होता है, अक्सर शेर बाहर आ जाता है तो शेर को रोकने के लिए हाथियों का सहयोग लिया जाता है ताकि कहीं भी कंफ्लिक्ट ना हो। हाथी सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है, दुनिया के सबसे ऊंचे जानवरों में से एक है और हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हाथी कम थे, इसलिए हमने यहाँ पे हाथी मंगाए। खुशी की बात है, अब तक हमारा जो है टाइगर रिजर्व था, अब गजराज हमारे यहाँ 4 पहुँचे। सबसे पहले मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे DFO साहब, हमारे कंजर्वेटर जी को बधाई देना चाहते हैं, यहाँ के सभी पत्रकारगणों को जो उन्होंने इतनी जोर शोर से आवाज़ उठाई। हमारे जिले के लिए आज अत्यंत गर्व का क्षण है, बहुत ही प्रसन्न है हम सभी जिलेवासी कि अब हमारा पीलीभीत भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पे एक पीलीभीत एक अपनी अलग पहचान रखेगा। बांदा में एक युवक ने जहर खा लिया। परिजनों ने आनंद पान में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चित्रकूट से लौटते वक्त उसकी किसी युवती से भी बातचीत हुई थी। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में युवक के गले पर बाइक सवार दबंगों ने चाकू से वार किया। बता दें कि युवक बाइक से घर जा रहा था, तभी बाइक सवार दबंगों ने हमला किया। घायल युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले की छानबीन में जुट गई है। ये मामला अंतु थाने के चौरा के पास की बताई जा रही है। चौदह माह हम सब फोन करें, कहीं 3-4 जने गाड़ी लेके लगा हुआ
तो फोन करें तो देखा तो फिर बाद में फोन करें पता लग के देखा तो नानी को चाकू मार दी। तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं, कितने लोग थे चाकू मारने वाले कुछ बताएं? अब तो पता नहीं है लेकिन साथ रहे कि देखा तीन चार जने गाड़ी लगा। गोमती नगर के शिरोज रेस्टोरेंट के बाहर स्टंट कर रहे बाइकर्स पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इसी बीच जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोर्टिया ने शिकंजा कसा है। उन्होंने मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवकों को स्टंट करते हुए देखा। स्टंट करते समय बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी लगी थी। स्टंट करते समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि सुबह के समय लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। स्टंटबाजी इन लोगों के लिए बड़ा खतरा हो सकती है। फिलहाल जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने कई स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की है और इस बीच गोमती नगर इंस्पेक्टर और एसीपी भी मौजूद रहे। झांसी में पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बीती शाम को सराफा जमीन कारोबारी संजय वर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई और इस मौके पर शहर कोतवाल तुलसीराम पांडे और राजस्व विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 1 अरब रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय जनपद झांसी द्वारा बाल संख्या 34 बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जिसमें 4 दिन पहले लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामला बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का है जहां पर 4 नवंबर की रात को जमुनही गांव निवासी एक युवक पर बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए मोटरसाइकिल भी छीन ली थी। जहां घटना का अनावरण करने के लिए सर्विलांस सेल और कोतवाली देहात पुलिस सक्रिय थी। वहीं बीती रात बदमाश छीनी हुई मोटरसाइकिल नेपाल बेचने की फिराक में जा रहे थे जहां पर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने नेपाल राष्ट्र को जोड़ने वाले रास्ते कोडरी घाट पुल पर चेकिंग की जिसके बाद बलरामपुर की तरफ से एक बाइक आते हुए दिखाई थी। पुलिस ने बाइक को रोकना चाहा जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में एक बदमाश अभी भी फरार है। हमने सीएचटी के नेतृत्व में हमारी थाना की टीम और स्वाट टीम लगी हुई थी, सर्विलांस के लोग भी लगे हुए थे और इस सूचना पर कल रात एक पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें 2 बदमाश, एक बदमाश उसमें गिरफ्तार हुआ और एक पार्क में उसके निशादेही भी गिरफ्तार हुआ। एक बदमाश भागा है और इनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वह भी बरामद हुई है। कल रात भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में दहशत फैल गई। कल रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके लगे। राजधानी से लेकर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और अन्य इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। पड़ोसी देश नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप रात तकरीबन 1:57 पर आया। एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। कब आया भूकंप? नेपाल में 1.5 घंटे में 2 झटके महसूस किए गए। देर रात 1:57 के बाद 3:15 पर भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसकी तीव्रता 3.6 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 8 नवंबर की रात 9 बजे भी नेपाल में भूकंप आया। तीव्रता 4.9 रही। 8 नवंबर को ही दिन में तकरीबन 12 बजे मिजोरम में भूकंप आया। यहां तीव्रता 4.4 थी। कितना नुकसान हुआ? नेपाल पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे आए भूकंप से दोती जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की जान गई, 5 जख्मी हुए। नेपाल सेना को भूकंप प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान के लिए भेजा गया। भारत में असर 5 राज्यों में हिली धरती।
भारत के 5 राज्यों यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड की धरती में कंपन हुआ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकले, जो काफी देर तक वापस नहीं गए। जब भूकंप आया तब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन झटकों के लगने से उनकी नींद खुल गई। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। भूकंप आने के बाद हैशटैग अर्थक्वेक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। आधे घंटे में तकरीबन 20,000 ट्वीट्स आए। आज सुबह तकरीबन 6:27 पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। 2015 में भूकंप से आई थी नेपाल में तबाही। नेपाल में भूकंप 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इस विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 23,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इसका केंद्र नेपाल से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। नेपाल में 81 साल में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था। इससे पहले 1934 में नेपाल और उत्तरी बिहार में 8.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 10,600 जाने गई थी। क्यों आता है भूकंप? भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेट्स में तेज हलचल होती है। इसके अलावा हल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।